चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण उसकी जो दोषमय किरणें हैं वो सब पर असर करती हैं, गर्भस्थ शिशु पर ज्यादा असर करती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय वागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को लगा था। अब जल्द ही साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस साल का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण अक्टूबर के महीने की अमावस्या को लगेगा। तो आखिर क्या खास है इस सूर्य ग्रहण में और क्यों वैज्ञानिक और ज्योतिष दोनों ही इस ग्रहण को इतना बड़ा बता रहे हैं? क्या रहेगी इस ग्रहण की अवधि? कितने बजे सूतक लगेंगे और कितने बजे ये ग्रहण शुरू होगा? क्या ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा और दुनिया के किस किस देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी 12 राशियों में सूर्य ग्रहण अपना कितना असर दिखाएगा और कौन कौन सी सावधानियां इस सूर्य ग्रहण में बरती जाएंगी? तो दोस्तों, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन सभी सवालों का जवाब हमारे बागेश्वर धाम के गुरु जी के पास है। गुरु जी ने अपने भक्तों को ना केवल सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जानकारियाँ दी हैं, बल्कि सूर्य ग्रहण वाले दिन दो लौंग का एक ऐसा अचूक उपाय भी बताया है जो आपको वान बना सकता है। तो देर किस बात की है? अगर आप भी जानना चाहते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई सभी जानकारियां और धनवान बनाने वाले अचूक उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग की बात करें तो 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण अक्टूबर के महीने की अमावस्या को लगने वाला है। इस दिन 14 तारीख और दिन शनिवार है। चलिए अब सूर्य ग्रहण की अवधि के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण शनिवार की रात 8:34 से शुरू होगा और मध्य रात्रि 2:25 पर समाप्त होगा। लगभग 6 घंटे की अवधि वाला यह सूर्य ग्रहण इस बार भारत में दिखाई नहीं देगा। गुरु जी की माने तो ये एक खास खग्रास सूर्य ग्रहण है जो ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक और आर्कटिक जैसे देशों में देखा जा सकेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के प्रभाव की अगर बात करें तो दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो जिस राशि में ये प्रवेश करते हैं उस राशि में उथल पुथल होना तो आम बात होती है। तो इस बार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य अपनी सबसे उच्च राशि मेष में प्रस्थान करने जा रहे हैं। ऐसे में इतनी लंबी अवधि के सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का अपनी ही राशि मेष में होना मेष राशि वाले जातकों की जिंदगी के साथ साथ कई देशों की राजनीति में भी हलचल मचा सकता है। हालांकि सूर्य ग्रहण के 2 दिन बाद ही सबसे प्यारे और शांत ग्रह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने से सभी राशियों में राहत का माहौल रहेगा, लेकिन फिर भी 12 में से इन 7 राशियों को अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे तो ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो भारत में सूतक भी नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी इन राशियों को सूर्य देव के प्रभाव से नहीं बचाया जा सकता। इन राशियों में सूर्य देव की उच्च राशि मेष के साथ वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन, मकर राशि शामिल हैं। इन राशियों पर सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इनको आर्थिक और शारीरिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो गुरुजी के अनुसार इन 7 राशियों को सूर्य देव को शांत रखने के लिए उन्हें हर रोज तांबे के लोटे में जल अर्पित करना होगा। ऐसे तो सूर्य देव को हर रोज जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोग हर रोज ऐसा नहीं कर पाते हैं उन्हें रविवार वाले दिन तो किसी भी हाल में सूर्य देव पर जल अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा करने से उनकी राशि में सूर्य देव शांत रहते हैं और अपने दुष्प्रभाव नहीं दिखाते। जिनकी राशि में सूर्य उच्च होता है या उग्र स्वभाव का होता है, ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, खर्चीले होते हैं। इनके आय के स्रोत तो बहुत होते हैं, लेकिन ये बचत नहीं कर पाते। तो दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी विशेष मौका हो, या तो कोई तीज त्यौहार हो या भले ही ग्रहण ही क्यों ना हो, अगर हम कुछ खास उपाय कर लें तो ना केवल हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं, बल्कि कई तरह से भगवान का आशीर्वाद लेने का मौका भी मिल जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव ने सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ विशेष उपाय अपने भक्तों को बताए हैं। तो सबसे पहले ये जानें कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको सूर्य ग्रहण से 1 दिन पहले एक ताला खरीदना है और ताले को रात में ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर पूरी रात इस पर चंद्रमा की रोशनी पड़े। अब सुबह उठकर सूर्य ग्रहण वाले दिन जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए तब आपको इस ताले को किसी मंदिर में दान करके आना है।
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर आप सूर्य ग्रहण के बाद लोहा दान करते हैं तो ऐसा करने से ना केवल आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहती है बल्कि आपका कर्ज भी उतर जाता है। दोस्तों, साथ ही जिन लोगों को तरक्की नहीं मिलती, नौकरी में रुकावट आती है, व्यापार नहीं चलता, तो ऐसे लोग ग्रहण खत्म होने के बाद मीठे चावल की खीर बनाकर काले कौवे को खिला दें। ऐसा करने से उनकी कुंडली में राहु के दुष्प्रभाव खत्म होंगे और राहु का बुरा असर खत्म होते ही उनके तरक्की के मार्ग खुलने लगेंगे। इसी के साथ गुरुदेव ने लौंग का भी एक ऐसा अचूक उपाय बताया जिसे करके आप धनवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन आपको एक लाल कपड़े में एक हरी इलायची और दो लौंग रख लेनी है। अब इस कपड़े में आप 5 गांठ बांध लीजिए और इसे सूर्य देव का नाम लेकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। अगर आप सूर्य ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद अपने घर का गंगा जल से शुद्धिकरण करके स्नान ध्यान और पूजा के बाद ये उपाय करते हैं तो आपके घर में ना केवल धन की रुकावट के दोष खत्म होंगे बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगेगी और धन कमाने के नए मार्ग अपने आप ही खुलने लग जाएंगे। आपके घर में बचत भी होने लगेगी और महालक्ष्मी आपके घर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। इसके अलावा दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद अगर आप लाल कपड़ा, तांबे का बर्तन, मसूर की दाल, गेहूं और लाल फल दान करते हैं तो इससे आपको दान का 100 गुना फल मिलेगा। हमारी वैदिक सभ्यता कहती है कि अगर आप ग्रहण के बाद दान करते हैं तो आपकी कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं और आपको शुभ फल भी मिलते हैं। साथ ही आप सूर्य ग्रहण के बाद अगर एक काली गाय अपने घर की चौखट पर लाते हैं और उसे 8 बूंदी के लड्डू और हरा चारा खिलाते हैं, परिवार समेत उसकी परिक्रमा करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली रहती है। अगर आप अपने घर से ग्रहण का अशुभ प्रभाव दूर करना चाहते हैं तो इस गाय की पूंछ को अपने सर पर से 8 बार झाड़ लें। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों पर से ग्रहण का असर भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, गुरुदेव ने ग्रहण के दौरान कई ऐसे कर्म को करने के लिए भी मना किया जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि ग्रहण के दौरान आप कुछ भी खाने से बचें। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। साथ ही ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम या मांगलिक कार्य शुरू ना करें। सूतक में बाल, नाखून काटने और कंघी करने जैसा काम भी ना करें। ग्रहण के दौरान आपको सोने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर सर्वाधिक पड़ता है, इसीलिए ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं अपने घर के अंदर ही रहें और किसी भी धारदार चीज जैसे चाकू छुरी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। साथ ही अपने पेट के निचले हिस्से पर लाल गेरू लगा लें ताकि ग्रहण का प्रभाव उनके होने वाले बच्चे पर ना पड़े। ग्रहण के बाद आप अपने पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करें, झाड़ू पोछा करें और स्नान करके साफ कपड़े पहनकर भगवान की पूजा और आराधना जरूर करें। ग्रहण का बचा हुआ भोजन ना करें और दान धर्म जैसे कार्य जरूर करें ताकि ग्रहण के अशुभ फल से बचा जा सके और बालाजी महाराज आप पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।